गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन वीडियो लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने लेसन नंबर 12 के एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट की थी, ओके। और ये लेक्चर में हम उसके आगे वाली जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करने वाले हैं। सो गाइस, लेट वी स्टार्ट नाउ। यह आपकी हिंदी वर्कबुक है और इसमें हमें लेसन नंबर 12 में एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो बच्चों, पेज नंबर 91 पर ये सेकंड नंबर का प्रवृत्ति हमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ओके। वो किस तरह से मैं आंसर अभी आज आपको बोल रही हूँ तो उसी टाइप से आपको वो कंप्लीट करना है। निम्नलिखित घटनाओं के आगे सही क्रम लिखिए, यानी कि ये जो 7 सेंटेंसेस दिए हैं इनमें से हमें फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, सेकंड सेंटेंस कौन सा होगा, इसका क्रम से हमें इसको ये यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो देखो, पहला कौन सा सेंटेंस आएगा कि दुमदुमा गाँव में पानी की कमी थी, यहाँ पर आएगा 1। दूसरा सेंटेंस कौन सा आएगा, एक दिन बच्चे इकट्ठे हुए, यहाँ पर हम लिखेंगे 2। बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची, ये हमारा थर्ड सेंटेंस होगा, ओके। यहाँ पर देखो, बच्चों ने तरह तरह के विचार किए, ये हमारा फोर्थ सेंटेंस होगा। उन्होंने एक गड्ढा खोदने का विचार किया, ये है फिफ्थ सेंटेंस। और 6 नंबर का, बारिश का पानी गड्ढे में भर गया, ये सेंटेंस आएगा 6 नंबर पर। और लोगों ने खेतों की सिंचाई की, ये हुआ हमारा लास्ट और 7 नंबर का सेंटेंस। तो इसको हमने सही क्रम में यहाँ पर कंप्लीट किया है, ओके। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिखाई और इसके बारे में हमें 5 to 6 sentences लिखने हैं, ओके। सो देखो आप, ये सेंटेंस, ये पिक्चर किस तरह से हमें दिख रहा है, ये सब जो हमें पिक्चर में दिख रहा है वो हमें एक पैराग्राफ की तरह से लिखना है। सो टर्न द पेज। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस वो दृश्य के बारे में लिखे हैं। तो ये इस तरह से है, यह गांव का दृश्य है, सुबह का समय है, सूरज निकल रहा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, दूर कुछ पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं, एक मंदिर भी दिख रहा है, मैदान में 2 लड़के गेंद खेल रहे हैं, तालाब के किनारे 2 स्त्रियां कपड़े धो रही हैं, एक बालक खेत के पास खड़ा है, खेत में किसान है, किसान हल चला रहा है, 2 बैल हल खींचते हैं। ये सब दृश्य हमें वो पिक्चर में दिख रहा है जिसको हमने इस तरह से लिखा हुआ है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 4 नंबर का। तो देखो, ये क्वेश्चन हम टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पर भी हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। इकाई में आए हुए 12 शब्द नीचे कोष्टक में छुपे हुए हैं, उन्हें ढूंढिए, उन पर ये इस तरह से हमें बॉक्स बनाना है, बॉक्स कीजिए और नीचे लिखिए। यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर हमने वो जो 12 वर्ड्स है उनको हमने इसको इस तरह से यहाँ पर ये ब्रैकेट्स में हमने उसको ढूंढा है और उसको हमने बॉक्स बना के वो दिखाया है। तो देखो, ये वर्ड्स ये हमारी ये हुए, फर्स्ट वर्ड उन्होंने करके दिखाया था हमें, पहला था कड़ाही, दूसरा है लहलहाए, भरना, प्रार्थना, नहाना, बाहर, खेलना, छपाछप, बरसात, बादल, तैरना और धुमधुमा। ये 12 वर्ड्स को हमें ऊपर दिए गए वो बॉक्स में ढूंढना है और उसको छोटा सा बॉक्स बनाना है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है ये भी हमने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट किया है बच्चों। देखो, नीचे दिए गए वर्ण कोष्टक में योग्य स्थान पर रखकर सार्थक शब्द बनाइए और नीचे लिखिए। तो देखो, यहाँ पर वर्ड दिए हैं ब्रैकेट्स में, ज न पा रे छ न, तो यहाँ पर आएगा छपा छप, परेशान, रोज, जमीन और मी न, ओके। तो छपा छप रोज, छपा छप परेशान, रोज, जमीन और मीन, ये हमने यहाँ पर 5 वर्ड्स यहाँ पर लिख दिए हैं,
ओके सो टर्न द पेज। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हर एक संकेत के आगे उसका अर्थ लिखिए। फर्स्ट संकेत है देखो स्टॉप, स्टॉप यानी ठहरिए। अभी ये देखो, ये जो साइन है ये किसका है, संकरा पुल यानी नैरो ब्रिज है ना। तीसरा है ये वृत्ताकार रास्ता यानी गोल रास्ता। फिर ये देखो आगे रास्ता संकरा है यानी कि नैरो है आगे रास्ता, ओके। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर देखो रास्ता दिखाई दे दिया है और यहाँ क्रॉस किया है, तो इसका अर्थ हुआ प्रवेश निषेध। अभी देखो यहाँ पर दो रास्ते हैं, जाने वाला भी और उधर से आने वाला भी, इसको उस पे ऊपर क्रॉस किया है यानी कि दोनों तरफ रास्ता बंद, ओके इसका मीनिंग ये हुआ। अभी देखो यहाँ पर सर्कल में क्या दिख रही है, ओनली साइकिल, तो यहाँ पर सिर्फ साइकिल के लिए रास्ता, ओके। और देखो दूसरे पिक्चर में क्या दिख रहा है, साइकिल पे क्रॉस किया है तो साइकिल निषेध यानी पर ये रास्ते पर साइकिल चल सकती नहीं है। सो गाइस आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया है और क्वेश्चन नंबर जो 7 है, चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो गाइस बाय बाय, हैव ए नाइस डे, स्टे होम स्टे सेफ।